वहीं नए संसद भवन के निर्माण को आज एक वर्ष हो गया है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए संसद भवन की खासियत बताई। उन्होंने कहा कि 28 मई 2023 को एक वर्ष पूर्व प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भवन का लोकार्पण किया था। बहुत कम समय 2 साल 7 महीनों में ये भवन बना। कई सालों से नए भवन की मांग हो रही थी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने सरकार से आग्रह किया नए संसद भवन में नई तकनीक है, बिजली की बचत, पानी की रिसाइकलिंग और इसी के साथ साथ नई तकनीक का उपयोग करते हुए सदस्य को पेपरलेस बनाने में महत्वपूर्ण है। पूर्व के कई अध्यक्षों ने भी नए संसद भवन के लिए समय समय पर मांग की थी। नए संसद भवन में महत्वपूर्ण विधेयक की भी पास हुए हैं। वही नारी शक्ति वंदन अधिनियम नए संसद भवन में पारित हुआ। आजादी के बाद नए संसद भवन में हमने अपने कानून बनाए। वही 2047 में भारत कैसा होगा उस पर चर्चा हुई। साथ ही कहा कि कम समय में संसद भवन का बनना अपने आप में ऐतिहासिक है। मई 2023 को आज के दिन एक वर्ष पूर्व देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस भवन का लोकार्पण किया। इस भवन का शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और बहुत कम समय में 2 साल 7 महीनों के अंदर ये भवन बना, जो हमारे देश के आत्मनिर्भर का मॉडल भी है और हमारे 140 करोड़ देश की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का प्रतीक भी है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व के कारण कम समय के अंदर ये भवन बना, जो हमारे आत्मनिर्भर भारत की झलक है। कई सालों तक नए भवन की मांग हो रही थी। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों ने सरकार से आग्रह किया, सरकार ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया और नया संसद भवन बना। और आज नए संसद भवन, जहां नई टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ इको फ्रेंडली, हम देखते हैं कि बिजली की बचत, पानी का पुनः रिसाइकलिंग और इसी के साथ साथ माननीय सदस्यों को नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पेपरलेस बनाने में ये संसद भवन अपने आप में महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारे नए संसद भवन की आवश्यकताएं थी, पूर्व के कभी माननीय अध्यक्षों ने भी नए संसद भवन के लिए समय समय पर मांग की थी, मैं कह सकता हूं कि ये नए संसद भवन में जहां महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए, वहां पर संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इन नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बरसों तक मांग हो रही थी, नए संसद भवन के अंदर ये विधेयक पारित हुआ और इस संविधान संशोधन से हमारे देश की महिलाओं को लोकसभा राज्यसभाओं के अंदर भी 33% के साथ उनको नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा, ताकि जनता के अपेक्षा आकांक्षाओं को वो राज्य की विधानसभाओं में लोकसभा में रख सके। इसी के साथ साथ हम अंग्रेजों के कानून से अभी तक देश चल रहा था, आजादी के बाद इस नए संसद भवन के अंदर हमने हमारे कानून बनाए, जिसकी बरसों तक मांग थी। हम कब तक अंग्रेजों के कानून से चलते हैं, और इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद अपने देश की संसद के बनाए कानून अब देश की जनता पर लागू